अस्सलाम वालेकुम थ्री क्लास, हो आर यू स्टूडेंट्स? आई एम फाइन, आई होप यू आर आल्सो फाइन स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, आज हम जो है जिस रिलीजन के बारे में पढ़ रहे हैं वो है बुद्धिज़्म। ठीक है ना, बुद्धिज़्म का मतलब होता है बुद्ध मत। ठीक है, बुद्धिज़्म बिगेन इन नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया एंड इज़ बेस्ड ऑन द टीचिंग ऑफ सिद्धार्थ गौतम। जो बुद्धिज़्म है वो कहाँ से जो है वो शुरू हो रहा है? नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया से। ठीक है ना, एंड इज़ बेस्ड ऑन द टीचिंग ऑफ, और इसकी जो टीचिंग ऑफ इनकी जो है वो है वो गौतम है, गौतम बुद्ध। ठीक है ना, वो इनका टीचिंग ऑफ सिद्धार्थ है, उसकी बुनियाद पर है। बुद्धिज़्म जो टीच पीपल टू गिव अप सेल्फ एंड अर्थली डिज़ायर। बुद्धिज़्म के जो लोग होते हैं वो अर्थली डिज़ायर का मतलब है दुनियावी ख्वाहिशात जो हैं, एंड टू ले पीसफुली, दुनियावी ख्वाहिशात को छोड़ देते हैं और पीसफुल यानी पुरअमन तरीके से जो है वो रहते हैं। बुद्धिस्ट वर्शिप पूजा करते हैं या इबादत करते हैं इन टेम्पल। टेम्पल मीन जहाँ पे जिस जगह पे इबादत करते हैं उसको टेम्पल कहते हैं, इसको मंदिर भी कह सकते हैं। टेम्पल मीन मंदिर। ठीक है, ये आपका जो मुख्तलिफ जो रिलीजन्स थे वो हमने कम्प्लीट कर लिया। नीचे अमेजिंग फैक्ट है, इसको भी हम रीड कर लेते हैं। देयर आर मोर दैन 10,000 डिस्टिंक्ट रिलीजियस ग्रुप्स इन द वर्ल्ड। ठीक है, यानी 10,000 से ज़्यादा जो हैं वो जो है दुनिया में जो है वो रिलीजन्स हैं। द मोस्ट पॉपुलस मुस्लिम कंट्री इज़ इंडोनेशिया। जो मोस्ट जो है वो पॉपुलस मुस्लिम कंट्री है वो इंडोनेशिया है। द फोर्थ लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, जो चौथ दुनिया के सबसे बड़े मुल्कों में से ये फोर्थ नंबर पे सबसे बड़ा कंट्री है। ठीक है ना, दुनिया में विद 184 मिलियन मुस्लिम, जिसमें कितने मुस्लिम्स हैं? 184 मिलियन मुस्लिम्स हैं। ठीक है, आज आपका ये जो चैप्टर है यूनिट नंबर 7, इसको हमने कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह ताला इसकी जो है वर्कबुक का काम स्टार्ट करेंगे। अगर आपको इसकी रीडिंग में कोई भी मसला हो, अगर किसी टॉपिक के भी आपको कोई समझ ना आई हो, तो आप मुझसे ग्रुप में डिस्कशन कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।